बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो यूनिट वन है उसका पार्ट सिक्स। ओके, इससे पहले जितनी भी पार्ट्स थी तो उनमें हमने बेसिक वो पढ़ी थी, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, फिर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज पढ़ी थी और फिर जो है ना टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बनती किस तरह है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। अच्छा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, फिर जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या जिसे हम कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बेसिक टू चीज़ें है, दो चीज़ें ऐसी होते हैं जिसको हमने अरेंज करना होता है। एक होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो काम करने वाले हैं, दूसरा वहाँ पे जो काम हो रहा है, जो टास्क परफॉर्म हो रही है, तो इन दो चीज़ों की कम्बिनेशन से जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में स्ट्रक्चर में हम इन पीपल और टास्क को डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हाउ ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस इट्स पीपल एंड टास्क, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट डिफाइंस हु डज व्हाट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब हम डिवीजन करते हैं तो इसमें हम क्या किस चीज़ को मद्देनजर रख के करते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली करते हैं कि हु व्हाट डज व्हाट, कौन क्या काम कर रहा है, और हु रिपोर्ट्स टू होम या कौन किसको रिपोर्ट देगा, किसका जो है ना मैनेजर कौन होगा, किस मैनेजर के अंडर कौन से एम्प्लॉयज काम करेंगे, एंड हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज इन ऑर्गेनाइजेशन, या इंफॉर्मेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से जो है ना वो फ्लो आउट करेंगे, क्या एक बंदा जो है ना डायरेक्ट डायरेक्टर तक जो है ना अप्रोच करेगा या मैनेजर तक अप्रोच करेगा या टीचर तक अप्रोच करेगा, तो ये जो है ना ये इंफॉर्मेशन फ्लो किस तरह होगा। तो इसी बेस पे जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स से जो है ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो है ना वो मुतय्यन कर सकते हैं। अ सिस्टम दैट डिटरमाइंस हाउ एक्टिविटीज सच इज टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन आर डायरेक्टेड टुवर्ड अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें जो है ना हम एक्टिविटीज़ को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसा कि टास्क एलोकेशन है, काम करना किसको काम हवाला करना होगा, कोऑर्डिनेशन किन किन लोगों के दरमियान होगा, सुपरविजन कौन किसका सुपरवाइज़र होगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिटरमिन करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स है उस गोल्स को हम अचीव करें। तो उस गोल्स के अचीवमेंट के लिए हम ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको स्ट्रक्चर्ड आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना ये फॉर्मल और इनफॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी और रूल्स, अब ये एक ढांचा का काम परफॉर्म करते हैं ना, एक साख्त का। तो इसमें जो है ना दो किस्म के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल, दूसरे होते हैं इनफॉर्मल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हम स्पेसिफिकली जो है ना जो हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि इसमें फॉर्मल रूल जो है ना वो क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। ऑर्गेनाइजेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मल रूल, फॉर्मल रूल्स वो रूल्स होते हैं ना, फॉर्मल रूल्स और पॉलिसी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग, टीम जो है ना उसको रिटन फॉर्म में या ऑफिशियल फॉर्म में लाते हैं। इनफॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस ये फिर ऐसे होते हैं कि जिसका कोई रिटन फॉर्म नहीं होता, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं होती, जो लोग जो है ना वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से जो है ना एक दूसरे के लिए वो रूल्स बनाते हैं, तो वो रूल जो है ना बेसिकली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बेसिक जो रूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होते हैं। ओके, एंड फॉर्मल फिर इसके एम्प्लॉयज़ के दरमियान होते हैं, विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस इट्स लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन एंड एलोकेट्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल फ्रेमवर्क है तो इसी फ्रेमवर्क के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो लाइन ऑफ अथॉरिटी को जो है ना वो अरेंज करते हैं कि कौन बंदा जो है ना किसको मातहत होगा, अथॉरिटी किसको जो है ना होगा, एंड कम्युनिकेशन कौन जो है ना किस तरह किसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, एंड एलोकेट्स राइट्स एंड ड्यूटी किसके राइट्स क्या होंगे और किसकी ड्यूटीज़ क्या होगी। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये अरेंजमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ये होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कल्चर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट को हमने पहली पार्ट में जो है ना डिटेल से डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों की वैल्यूज़ बिलीव्स और एटीट्यूड्स होते हैं, उस एटीट्यूड से जो एक दूसरे के साथ जो एटीट्यूड लोगों के होते हैं, जो पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट उस एटीट्यूड्स वैल्यूज़ और बिलीव्स की वजह से जो लोगों की फीलिंग्स होते हैं, जो परसेप्शंस लोगों के होते हैं, या जो एटमॉस्फेयर उधर क्रिएट हुआ हो रहा होता है इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वजह से जो एटमॉस्फेयर उधर प्रमोट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट जिस ढांचे या जिस घर के अंदर होते हैं, जिस साख के अंदर ये परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फॉर्मल फ्रेमवर्क या हायरार्की जिसमें होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द मैनर एंड एक्सटेंट टू विच रूल्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डेलीगेटेड कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या किस चीज़ को डिटरमिन करते हैं, ये उस मैनर्स और एक्सटेंट को डिटरमिन करते हैं जिसके थ्रू जो है ना रूल्स पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी, वो मैनर या वो एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक जो है ना आप रूल्स पावर और रिस्पांसिबिलिटी को दूसरों के सपुर्द करते हैं या आप कंट्रोल करते हैं या आप दूसरों के साथ जो है ना ये वाली चीज़ कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट से दूसरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये इंफॉर्मेशन फ्लो किस तरह करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और हायर या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के दरमियान ये इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल ये कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना ये जो एम्प्लॉयज़ के दरमियान, एम्प्लॉयज़ और जो काम होते हैं उन काम को हम किस तरह डिवाइड करते हैं और फिर उनमें जो है ना हम रूल्स को किस तरह डिवाइड करते हैं, ड्यूटीज़ उनकी क्या होगी, राइट्स क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आते हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसके मैंने पहले डिस्कस किया। फॉर्मल स्ट्रक्चर वो होते हैं रिपर्स टू स्ट्रक्चर हायरार्किकल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी विच आर फॉर्मली एस्टेब्लिश एंड रेगुलेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल सिस्टम होते हैं, हायरार्किकल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिस्पांसिबिलिटीज होते हैं। मतलब ये कि इसमें जो है ना एक बंदे को बताया जाता है कि आपकी ये रूल्स हैं, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मातहत ये लोग ही होंगे, उनके मातहत ये लोग होंगे, तो ये क्या होता है, एक हायरार्किकल सिस्टम जो है ना ये होता है विच आर फॉर्मली एस्टेब्लिश एंड रेगुलेटेड विद इन, और ये फॉर्मली एस्टेब्लिश होते हैं, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिटन फॉर्म में जो है ना लिख दी जाती है कि इस बंदे की ये काम होंगी। ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है रिफर्स टू अनरिटन अनऑफिशियल रिलेशनशिप एंड नेटवर्क्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अनऑफिशियल और अनरिटन रूल्स होते हैं ना, वो रिलेशनशिप से जो उभर आते हैं, मतलब ये कि जो लेबर्स है, लेबर कम्युनिटी के दरमियान अपना एक अलायंस बनता है। अब वो अलायंस जो है ना वो हर वक्त वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं होता, वो उन लोगों की अपनी फीलिंग्स, अपनी थाट्स की वजह से जो है ना उन्होंने क्रिएट की हुई होते हैं, उनके अपनी रूल्स रेगुलेशन ने सेट की हुई होते हैं, तो वो जो है ना वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता, वो इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की बिना पर जो है ना वो बनाए हुए होते हैं। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमने कहा कि शेयर्ड वैल्यूज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस बिटवीन द इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो लोगों की वैल्यूज एटीट्यूड्स और प्रैक्टिसेस होते हैं, जो लोगों की एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन, वो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो पैटर्न होता है, तो उसको हम कहते हैं जो प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब इस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्लैन कल्चर पे चलते हैं, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन एडहाक्रेसी कल्चर पे, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मार्केट कल्चर पे, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कल्चर पे चलते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लैन कल्चर पे चलते हैं ना, उनको कहते हैं एम्फसाइज कोलैबोरेशन अक्रॉस टीम्स एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। अब इस
ये जो क्लैन कल्चर होते हैं ना, इन लोगों के दरमियान एक कोलैबोरेशन होता है, एक फैमिली जैसा सिस्टम होता है, ओके। और ये जो है ना टीम के दरमियान होते हैं, और ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर आप जहन में याद रखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर और एक होता है टाल स्ट्रक्चर, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को हम प्लेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्लेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें मैनेजर मैनेजमेंट लेवल कम होते हैं, जिसमें अटानमी होते हैं, हर एक बंदी के साथ जो है ना इख्तियारात होते हैं, जिसमें लोगों के दरमियान कोलैबोरेशन होते हैं, जिसमें स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, और जिसमें ओपन कम्युनिकेशन लोगों के दरमियान होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल या प्लेट स्ट्रक्चर सैम्पल ये कि इसमें जो है ना वो अथॉरिटी वाली कहानियाँ नहीं होती कि ये जो है ना मैनेजर है, इसके मातहत आप होंगे और ये आपको हुक्म करेगा, आप ये काम करेंगे, नहीं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में तकरीबन हर एक के साथ जो है ना सेम टू सेम अथॉरिटीज होते हैं, सेम मामूली डिफरेंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हर एक बंदा ऑटोनॉमस ज़्यादा होता है, एम्पावरमेंट लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं। एम्प्लॉइज हैव इक्वल पावर एंड फैमिली लाइक मेंटेलिटी, लोगों के दरमियान जो है ना फैमिली लाइक मेंटेली हो, जैसे कि घर में जो है ना हर एक के साथ पावर्स होते हैं और वो जो है ना इक्वल पावर हर एक के साथ होते हैं, और एक ख़ास किस्म की मेंटेलिटी। ये जो डिसीजन लेते हैं ना ये क्लैन कल्चर वाले, तो ये कंसेंसस पे डिसीजन लेते हैं, मतलब ये कि सबसे मशवरा करते हैं, जिसकी राय जो है ना वो ज़्यादा होते हैं तो उनसे जो है ना मशवरा उनकी डिसीजन जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि मैनेजर है, मैनेजर ने जो डिसीजन लिया वो ठीक, डायरेक्टर है, डायरेक्टर नहीं, इसमें जो है ना कंसेंसस पे डिसीजन होते हैं। एडहॉक्रेसी कल्चर जो है ना ये भी प्लेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अलाउज इंडिविजुअल टू शेयर आइडियाज एंड इनकरेजेस द कंपनी टू टेक रिस्क। अब ये जो है ना ये वाला जो एडहॉक्रेसी है ये इंडिविजुअल को अलाउ करते हैं कि वो आइडियाज़ को शेयर करें, जैसे कि प्लेट स्ट्रक्चर में या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये लेकिन इसमें ये होता है कि ये लोगों को जो है ना इस चीज़ पर उभारते हैं कि वो रिस्क ले लें, ओके। रिस्क ले लें, जैसा कि प्लेट स्ट्रक्चर होता है और ये डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकर्स होते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि इसमें जो है ना डिसीजन लेते हैं तो वो ऑटोनॉमस और स्केल्ड पर्सन लेते हैं, कोई मैनेजर वगैरह, कोई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना इसमें नहीं होता कि सीईओज ने जो है ना डिसीजन लेनी है, बाकी कोई भी बंदा डिसीजन नहीं ले सकती, हर एक पर्सन जो है ना वो अपने काम के हिसाब से जो है ना वो डिसीजन ले सकते हैं। ये जो है ना ये अब ये याद रखिए, एडहॉक्रेसी कल्चर जो है ना ये मोस्टली ये जो क्लैन कल्चर है ना ये ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन अक्सर होते हैं तो उसमें ये क्लैन कल्चर जो है ना वो यूज़ होते हैं, लेकिन जो एडहॉक्रेसी कल्चर है तो ये ज़्यादातर जो है ना ये नॉन प्रॉफिट में नहीं, ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल सेटअप में होते हैं, मतलब ये कि एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो है ना यही कि हर एक बंदी के साथ इख्तियारात होते हैं और हर एक बंदा जो है ना वो डिसीजन ले सकते हैं, और प्लेट स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं कि हर एक बंदा जो है ना वो रिस्क पे होता है। एक न्यू सेटअप इन्होंने खुला हुआ होता है, टेक्नोलॉजिकल सेटअप जो है ना वो खुला हुआ होता है तो इसमें रिस्क होते हैं, लेकिन क्लैन कल्चर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डोनेशन वगैरह पे चलते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होता। मार्केट कल्चर क्या होता है, फोकस ऑन फाइनेंशियल सक्सेस एंड हाउ ईच एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट्स टू रेवेन्यू। अब ये जो है ना मार्केट कल्चर, जैसे कि नेम से जाहिर है कि ये जो है ना फोकस करते हैं फाइनेंशियल सक्सेस पे, कि हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है, हर एक इंडिविजुअल कितना काम करता है, कितना सेल करता है, कितना प्रोडक्ट जो है ना वो बनाते हैं, और ये जो है ना ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, कंपिटेटिव कल्चर ये होता है कि एक बंदा जो है ना उन्होंने कितना कंपीट किया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपनी टीम के साथ, कितना काम किया, तो ये मार्केट कल्चर होते हैं। हायरार्की कल्चर कौन सा होता है, जिसमें जो है ना एक क्लियर हायरार्की होते हैं, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जिसमें होते हैं, एम्फसाइज करियर पाथ्स एंड प्रोवाइड्स क्लियर मैनेजेरियल प्रोसेस। इसमें मैनेजेरियल प्रोसेस, जैसे कि हमने कहा था कि टॉप लेवल मैनेजर होता है, फिर जो है ना मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, फिर जो है ना लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो वो हायरार्की कल्चर में जो है ना वो होते हैं। अच्छा, हमने जो फार्मल वर्सेस इनफार्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो फार्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमने कहा कि फार्मल जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन खुद ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं,
ये जो पार्मल होता है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इज़ गाइडेड बाय रिजिड रूल एंड प्रोसीजर्स। अब ये जो है ना, ये क्या होता है, ये गाइड करता है कौन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ये गाइड करता है। मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स होते हैं तो पार्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना उसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसके रिजिड रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, ये रूल्स और प्रोसीजर कंपनी का CEO कंपनी के मैनेजर जो है ना वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें फिर किसी किस्म का चेंजेस जो है ना वो आसानी नहीं आ सकता। अगर आपने इसमें चेंजेस करने हैं तो आप मैनेजर को जो है ना एप्लीकेशन लिखोगे, आप CEO के एप्लीकेशन लिखोगे, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को एप्लीकेशन लिखोगे, तो उसके अप्रूवल के बाद जो है ना इसमें क्या होगी, चेंजेस होंगे एज क्लियरली डिपेक्टेड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और ये जो है ना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स प्रोसीजर होते हैं तो इसका अपना एक चार्ट होता है, और उस चार्ट में जो है ना क्लियरली उन्होंने मेंशन किए होते हैं कि आप जब इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में या इस कंपनी में एंटर होते हो तो आपने जो है ना ये चीज़ें करनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आपको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में दाखिला जो है ना नहीं मिल सकता। तो ये क्या होता है, क्लियरली डिपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें चेंजेस जो है ना वो आसानी से नहीं आ सकती। रिजिड रूल्स मे लीड टू ब्यूरोक्रेसी विच मे डिले वर्क एंड डिसीजन मेकिंग आर इट्स डिसएडवांटेजेस। अब रिजिड रूल्स की वजह से जो है ना ये एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम होता है, ब्यूरोक्रेटिक, जैसे कि मैंने बताया था ना कि ब्यूरोक्रेटिक वो सिस्टम होता है जिसमें हायरार्की फॉलो अप होते हैं, कि आपने जो है ना अगर कोई काम में कोई रूल में आपने चेंजेस करने हैं, सबसे पहले आपने लोअर मैनेजर को जो है ना एप्लीकेशन लिखना है, लोअर मैनेजर से अप्रूवल के बाद मिडिल लेवल मैनेजर को, मिडिल लेवल के एप्लीकेशन के बाद अप्रूवल के बाद जो है ना अब टॉप लेवल। तो इसी वजह से जो है ना डिसीजन मेकिंग इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इसका मेजर जो है ना वो डिसएडवांटेज है। ओके, इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल पैटर्न ड्यूटी इंट्रैक्शन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप विच इमर्ज स्पॉन्टानियसली ड्यू टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल फोर्सेज ऑपरेटेड एट वर्क। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो है ना ये लोगों के इंट्रैक्शन से प्रोड्यूस पैदा होते हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप नहीं होता, ये लोग जो है ना अपने ख्वाहिशात के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजिकल और सोशल फोर्सेज के हिसाब से जो है ना इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसा कि लेबर कम्यूनिटी होता है, नर्सिस कम्यूनिटी होता है, डॉक्टर्स कम्यूनिटी होता है, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और ये अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट विच मे नॉट बी रिलेटेड टू वर्क। अब ये फ्रेंडशिप की बेस पे या लोगों की कॉमन इंटरेस्ट होता है कि हमने नर्सिस का भलाई करना है, हमने डॉक्टर्स का भलाई करना है, हमने जो है ना लेबर्स का भलाई करना है, तो ये कॉमन इंटरेस्ट सबका होता है और उस सब भी जो है ना वो लोग इकट्ठे होते हैं। इज़ नॉट टाइपिकली डिपेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट में नहीं होता कि इस तरह की एक कम्युनिटी होगा वो जो है ना इन लेबर्स की कम्युनिटी राइट्स के लिए जो है ना आवाज़ उठाएगा। तो ये हर एक बाज़ जगहों में तो होते हैं, वो फॉर्मल बन जाते हैं, बाज़ जगहों में जो है ना ये चीज़ें नहीं होती, ये अलाउ भी हद तक नहीं होती, तो वहाँ पर जो है ना ये इनफॉर्मल होते। फ्लेक्सिबल एंड पोस्टर क्रिविटी, अब ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये कि इनफॉर्मल है, सब लोगों के राय होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और ये एकदम से जो है ना डिसीजन को जो है ना वो चेंज करते हैं, इसमें कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की, ब्यूरोक्रेसी वगैरह नहीं होती। लैक ऑफ क्लियरिटी इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन एंड इन एफिशिएंसी आर इट्स डिस। अब इसमें जो है ना क्लियरिटी नहीं होती, रूल्स रेगुलेशन इसकी वेल एस्टेब्लिश नहीं होती, और इसमें जो है ना रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी जो है ना अच्छी तरह वेल एस्टेब्लिश नहीं होता। जैसे कि फॉर्मल में एस्टेब्लिश होता है, उसमें जो है ना एक हायरार्की होता है, आपने उसके थ्रू जाना होता है, तो ये जो है ना ये इसकी क्या होते हैं, ये इनएफिशिएंसी इसकी क्या होती है, ये डिसएडवांटेजेस होते हैं कि ये जो सिस्टम है ये एफिशिएंट नहीं होता, इसमें जो है ना लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की नहीं होता, इसी वजह से जो है ना डिसीजन अक्सर अवकात जो है ना लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना लेते हैं। ओके, अच्छा, तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ होते हैं वो लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप होता है। लाइन और स्टाफ जो है ना इसका वर्ड टर्मिनोलॉजी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और इसका मेन जो मतलब होता है, लाइन वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं काम में, और स्टाफ वो लोग होते हैं जो लाइन को एडवाइस करते हैं, लाइन को डायरेक्ट करते हैं कि इस काम में जो है ना आपने इस तरह की करना है, इस तरह की करना है, लेकिन ये खुद जो है ना काम के पास नहीं जाता। दिस रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच अटेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाई लाइन एंड स्टाफ फंक्शनिंग मिक्स टुगेदर। तो अब ये जो है ना क्या होता है, ये रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इसमें जो है ना जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव परफॉर्म होते हैं, अटेंड अचीव होते हैं थ्रू लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। लाइन रिलेशनशिप क्या होते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन रिलेशनशिप का क्या होता है? द लाइन रेफर टू रूल डायरेक्टेड इन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटी और कोर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कोर फंक्शन या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो है ना एक टीचर्स है, तो टीचर क्या है, ये लाइन है, ये जो है ना डायरेक्टली जो है ना क्लासरूम को पढ़ाते हैं, तो ये लाइन है। अथॉरिटी इसके साथ क्या होता है, इंडिविजुअल इन लाइन पोजीशंस हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल मेन गोल्स। अब इनके पास ये अथॉरिटी होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स होते हैं उसके हिसाब से जो है ना ये डिसीजन भी ले सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। मतलब ये कि स्टूडेंट को जो है ना क्लास से बाहर निकाल सकता है, स्टूडेंट को जो है ना एब्सेंट लगा सकता है, स्टूडेंट को जो है ना फाइन कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये इनके साथ ये अथॉरिटी होता है, क्यों, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के ख़िलाफ़ है और हमने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना है। तो डायरेक्टली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली ये बंदा इम्प्लीमेंट करते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट लाइन पोजिशन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग करना या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर करता है, क्योंकि अगर ये बंदा काम नहीं करता तो काम जो है ना चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो सकती, चीज़ें मार्केट नहीं हो सकती। तो ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे। ओके, लाइन पोजीशन, लाइन के जो बंदे होते हैं इनके साथ कौन कौन सी पोजीशन होते हैं, तो दे आर जॉब डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द कोर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि ये जो प्रिंसिपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते हैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। पीपल इन लाइन पोजीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल मेन गोल्स, मेन गोल में जो है अचीव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फैक्ट्री लाइन पोजीशन वुड इंक्लूड वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। जो लोग इन्वॉल्व प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो लोग जो है ना वो क्या होते हैं, वो लाइन पोजीशन पे होते हैं या लाइन रिलेशनशिप में आते हैं। फिर स्टाफ रिलेशनशिप, द स्टाफ सपोर्ट इसका काम होता है, मेन काम इसका क्या होता है, सपोर्ट करना। स्टाफ रेफर्स टू रूल्स दैट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड एडवाइस टू लाइन पोजीशन। अब ये जो है ना जो लाइन पोजीशन होता है उस लाइन पोजीशन को ये एडवाइस करते हैं या उनको जो है ना सपोर्ट करते हैं। एडवाइजरी रूल इसका काम होता है, इंडिविजुअल एंड स्टाफ पोजीशन डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल मेन गोल्स। अब इनका डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन की मेन गोल को ये इंप्लीमेंट करे, लेकिन ये क्या करते हैं, अपर एक्सपर्टीज एंड असिस्टेंस टू एनहांस ऑपरेशन। ये जो लाइन पोजीशन होते हैं ना उनको अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताते हैं, अपनी असिस्टेंस उनको जो है ना प्रोवाइड करते हैं कि इसी स्टेप पर जो है ना आपने ये करना है, इसी स्टेप पर स्टूडेंट्स के साथ ये करना है, जो एम्प्लाइज होते हैं उनके साथ ये करना है, इस तरह अच्छा होगा। तो ये रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और ये जो है ना ये उनके साथ क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं लाइन के साथ। ओके, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, स्टाफ पोजीशन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बाय सपोर्टिंग एंड एडवाइजिंग द लाइन पोजीशन। तो ये इनडायरेक्टली जो है ना इन्वॉल्व होते हैं लाइन को सपोर्ट करना, लाइन पोजीशन को सपोर्ट करने में, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। स्टाफ पोजीशन कौन कौन से होते हैं, these are rules that support and advise the line position. Okay, people in staff position provide specialized services and assistance to the organization or line manager. अब इसका मेन काम ये होता है कि ये स्पेशलाइज सर्विसेज या जो असिस्टेंट होता है तो वो लाइन मैनेजर को, स्पेशलाइज सर्विसेज मतलब ये कि कुछ न्यू चीज़ें जो है ना वो आई हुई होती है, कुछ स्पेशलाइज चीज़ें आई हुई होती है, तो उसका तरीक़ा वगैरह समझाना, उसमें असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ये जो है ना स्टाफ पोजीशन का काम होता है। फॉर इंस्टेंस इन अ बिजनेस स्टाफ पोजीशन कुड होल्ड द HR डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट। जैसे कि IT डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा हुआ होता है तो उसका डायरेक्टली कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन वो जो है ना उन लाइन को जो है ना सपोर्ट करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज चूजन, ऑर्गेनाइजेशन की दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। ये किस बेस पे, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और उनकी स्ट्रेटजीज, रूल्स और रेगुलेशन या प्रोसीजर के बेस पे जो डिसीजन ली जाती है उसके बेस पे जो है ना दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में क्या होता है, द डिसीजन मेकिंग पावर इज कंसंट्रेटेड इन द टॉप लेयर ऑफ द मैनेजमेंट एंड टाइट कंट्रोल इज एक्सरसाइज ओवर डिपार्टमेंट एंड डिवीजन। इसमें मेन काम यह होता है कि इसमें जो डिसीजन पावर होता है ना वो टॉप लेवल मैनेजर के साथ होते हैं,
और एक टाइट कंट्रोल जो है ना वो डिपार्टमेंट और डिवीजन पे इनका टाइट कंट्रोल होता है कि हमने जो रूल्स बनाए जो रेगुलेशन बनाई उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना, आपने जो है ना हमें जवाबदेह रहना है। तो ये क्या होते हैं टॉप लेवल की जो मैनेजर होते हैं जैसे कि CEOs है या VC हो गया, तो ये वाले लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गोल सेटिंग बजटिंग एंड टैलेंट डिप्लॉयमेंट। टैलेंट डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि हर बंदे को जो है ना उसकी टैलेंट या उसकी स्किल्स के हिसाब से जॉब्स देना और टाइपिकली कंडक्टेड बाई सिंगल सीनियर लीडर और लीडरशिप टीम। अब इसमें ये जो जितने भी काम्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे वो एक बंदा कंट्रोल करते हैं और उसको हम कहते हैं हेड और CEO और VC। और ये जो है ना ये एक बंदा जो है ना उन सारे काम्स को जो है ना कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सेंट्रलाइज जो है ना बाद में आएगा, ये जो है ना जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो नई इस्टेब्लिश हुई होते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो है ना फिर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है कि एक बंदा सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ओके, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में एंड डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर द डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिपार्टमेंट एंड डिवीजन आर हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ इटानमी। अब इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों के दरमियान कि ये जो है ना ये उस कैंपस का डायरेक्टर है तो इनके साथ फुल अख्तियार है कि वो स्टूडेंट के बारे में डिसीजन ले रही है, ये इस डिपार्टमेंट का HOD है तो इनके साथ फुल अख्तियार है कि ये उस अपने डिपार्टमेंट के बारे में अख्तियार ले ले। ओके, अटानमी उनको दी जाती है। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल इंडिविजुअल और टीम। अब इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना तो वो इंडिविजुअल और टीम के साथ दरमियान जो है ना वो क्या होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर या डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अच्छा, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है? वन बॉडी ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स प्रोसीजर एंड डेवलप स्ट्रेटजी। एक बंदा होता है जो सब कुछ डिसाइड करता है, लेकिन इसमें क्या होता है मैनेजमेंट एट एवरी लेवल मेक डिसीजन फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। तो इसमें जो है ना एक बंदा नहीं होता, इसमें हर एक डिपार्टमेंट का हर एक कैंपस का हर एक उसका जो है ना अपना एक मैनेजर होता है और वो जो है ना डिपार्टमेंट और टीम के बारे में डिसीजन लेते हैं, ऑटोनॉमस होता है। इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द टॉप डाउन, एम्प्लाइज फॉलो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसमें इंफॉर्मेशन जो है टॉप लेवल से आते हैं लोअर लेवल तक, और एम्प्लाइज का काम ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया हुआ होता है जो हेड से ऑर्डर आया हुआ होता है तो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी मोर फ्रीली। इसमें जो है ना डिपार्टमेंट सो ऊपर से जो है ना ऑर्डर नहीं आता, ये एक दूसरे के साथ जो है ना फ्रीली कम्युनिकेट करता है, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, दे एग्जीक्यूट द कंपनीज विजन एंड लेटर इनपुट। अब ये जो जितनी भी रिस्पांसिबिलिटीज़ होते हैं ना वो सब कुछ रिस्पांसिबिलिटीज़ एक की बंदे के सर होते हैं और वो जो है ना कंपनी की फ्यूचर कंपनी के विजन के बारे में जो है ना वो सारी डिसीजन लेते हैं। इसमें क्या होता है मैनेजर एंड एम्प्लाइज शेयर रिस्पांसिबिलिटी, दिस अलाउज द फीडबैक एंड ओपिनियन फ्रॉम द एम्प्लाई। इसमें मैनेजर और एम्प्लाई दोनों जो है ना रिस्पांसिबिलिटी शेयर करते हैं, मैनेजर जो है ना मैनेजर भी डिसीजन लेते हैं लेकिन साथ में एम्प्लाइज भी ऑटोनॉमस होते हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं और इसी वजह से जो है ना जो एम्प्लाइज होते हैं उनकी तरफ से उनके फीडबैक और ओपिनियंस ली जाते हैं और उनको जो है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है। अच्छा, फिर मे बी बेस्ट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यूअर एम्प्लाइज। अब ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना ज़्यादातर यूज़ होते हैं जैसे कि मैंने बताया सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जो अपन वर्क्स वेल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मेनी लेवल्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मेनी कैंपस होते हैं मेनी डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके लिए फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर होता है प्री ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक में फिर मैकेनिस्टिक होता है और ऑर्गेनिक कल्चर होता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है। प्री ब्यूरोक्रेटिक वो स्ट्रक्चर होता है जब एक कंपनी जो है ना वो न्यू इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसमें प्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है ना वो ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये प्री ब्यूरोक्रेटिक नो सेट रूल्स प्रोसीजर्स थिंग्स आर फिगर आउट इज नीडेड। इसमें कोई रूल्स प्रोसीजर नहीं होती, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती, लेकिन जब भी किसी चीज़ का काम आता है तो डायरेक्टली एक बंदा होता है और वो डायरेक्टली जो है ना चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं। ये जो है ना प्री ब्यूरोक्रेटिक या इसको हम एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योरल इसको इसलिए कहते हैं, एंटरप्रेन्योरल जो है ना वह हर उस बंदे को कहा जाता है जो बिजनेस को न्यूली स्टार्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और इस होप के बिना पे वो रिस्क लेते हैं कि मैं जो है ना इस चीज़ में प्रॉफिट करूँगा। तो एंटरप्रेन्योरल जो लोग होते हैं तो वो फ्री ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और इसमें जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क नहीं होती, मतलब ये कि टास्क स्टैंडर्डाइज नहीं होता,
टास्क जो है ना थ्रू अथॉरिटी जो है ना वो थ्रू एक लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की जो है ना वो फॉलो अप नहीं होता, लेकिन एक बंदा होता है वो डिसीजन लेते हैं। अब एक बंदी का डिसीजन जो है ना वो क्या होता है, वो इस तरह नहीं होता कि वो जो है ना फुली स्टैंडर्डाइज, उसमें मिस्टेक वगैरह हो सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट यूज टू सॉल्व सिंपल टास्क। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इसमें जो है ना क्या होते हैं ये सिंपल टास्क के लिए। अब ये जो है ना ये टोटली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि एक बंदे के साथ जो है ना सारे पावर है। एंड द स्ट्रेटेजिक लीडर मेक्स ऑल की डिसीजन एंड मोस्ट कम्युनिकेशन इज डन बाय वन ऑन वन कन्वर्सेशन। और इसमें जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं वो एक बंदा होता है और वो एक बंदा जो है ना सारे के सारे डिसीजन ले लेते हैं। ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है ना वो बंदा एक बंदा ही परफॉर्म करते हैं। ओके मतलब ये कि हर किसी का शिकायत वगैरह, हर किसी का गिले शिकवा, हर किसी की अप्रिशिएशन उनके सर ही जाता है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरल बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया जो एंटरप्रेन्योरल बिजनेसेस होते हैं, न्यू सेटअप्स होते हैं, तो उनमें जो है ना ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं क्योंकि जिस बंदे ने जो है ना रिस्क लिया है, जिस बंदे ने जो है ना उस कंपनी को स्टार्ट किया तो वो सब कुछ को संभाल रहा होता है। एज एट एनेबल्स द फाउंडर टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये फाउंडर का काम होता है कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है ना कंट्रोल करे स्टार्ट में। जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर अपने नौकर शौकर वगैरह जो है ना वो लगाते हैं और उनसे काम लेते हैं फिर। ओके अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आता है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है। मतलब ये कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो फिर इस तरह की स्ट्रक्चर फॉलो अप नहीं होता, उसमें एक बंदा तो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा होता, तो फिर जो है ना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो अप होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दे आर बेटर सुइटेड फॉर मोर कम्प्लेक्स लार्ज। अब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक टास्क होते हैं तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मैनेजर जो है ना साइन अप करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं और फिर जो है ना वो काम परफॉर्म होता है। दे यूजुअली अडॉप्ट अ टॉल स्ट्रक्चर। अब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है ना ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो इसमें टॉल स्ट्रक्चर यूज होता है। टॉल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि जैसा कि मैंने बताया था कि प्लेट स्ट्रक्चर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते। टॉल स्ट्रक्चर में एक लेवल प्रॉपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फिर ये जो है ना लोअर लेवल मैनेजमेंट है और ये सारे के सारे जो है ना डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजन को जो है ना फिर ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। ओके टॉल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो है ना ये प्लेट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, ये टॉल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं थ्रू लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसमें होते हैं। द टेंशन बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड नॉन ब्यूरोक्रेटिक इज इक्यूड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक कल्चर। अब ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और इसके खिलाफ नॉन ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर होता है, प्री ब्यूरोक्रेटिक का हमने बताया कि प्री ब्यूरोक्रेटिक एक बंदा होता है और वो सब कुछ यूज़ करता है वो स्टार्टअप में। ब्यूरोक्रेटिक और नॉन ब्यूरोक्रेटिक अभी इसमें जो है ना हम पढ़ेंगे। मैकेनिस्टिक जो स्ट्रक्चर होता है ना ये ब्यूरोक्रेटिक होता है, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है ना ये नॉन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके अब मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना ये हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। हायरार्किकल जब हायरार्किकल होगा मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी इसमें होगी, लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो गया और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज में होता है, मतलब ये कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ जो है सारा अथॉरिटी होता है, वो डिसीजन जब तक उनने साइन नहीं की हो तो तब तक जो है कोई काम नहीं कर सकता। फार्मलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, इसमें जो प्रोसीजर प्रैक्टिस है वो फार्मल होते हैं, वो जो है ना एक थ्रू प्रोसेस जो है ना वो मैनेजर डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन के बेस पे जो है ना वो फिर इम्प्लीमेंट होते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, अब इसमें जो है ना फंक्शन स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होते हैं इस कम्पेयर टू नॉन ब्यूरोक्रेटिक, क्योंकि जो है ना इसमें एक एक काम को जो है ना डिफरेंट लोगों के साथ दरमियान डिवाइड की जाती है और जिस बंदी का जो स्पेशलिटी हो उसको वही काम दिए जाते हैं। तो इसमें नैरो स्पेन ऑफ ड्यूटी होते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी जो है ना एक बंदे को नैरो ड्यूटी दी जाती है कि आप जो है ना इधर हो प्रोडक्ट में आप ये काम करोगे, आप सेल मार्केटिंग में आप ये काम करोगे, तो इसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन ज़्यादा होते हैं। ओके मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और कंपेरेटिवली सिंपलर एंड ईजी टू ऑर्गेनाइज,
तो अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजी होता है, क्यों? क्योंकि एक इसमें एक मैनेजीरियल सिस्टम होता है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, और इजीली जो है ना ये ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब एक सीईओ है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डायरेक्टली वो मिडिल लेवल मैनेजर को हुक्म करेगा कि आपने जो है ना सारी डिपार्टमेंट में ये चीज़ पहुँचाना है। तो फिर वो मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर को जो है ना वो काम सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन इसका ईजी होता है, बट फाइंड टिपिकल टू कोप विद रैपिड चेंजेस। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि जब रैपिड चेंजेस आते हैं तो रैपिड चेंजेस के लिए इसके पास फिर कोई पॉलिसी न्यू तो नहीं होता। अगर ये जब न्यू पॉलिसी बनाता है तो न्यू पॉलिसी बनाने के लिए इसको जो है ना डिफरेंट मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ता है कि सबसे पहले लोअर मैनेजर, फिर मिडिल लेवल मैनेजर, फिर सीईओ से जो है ना इनका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस या रैपिड चेंजेस होते हैं तो उनको संभालना इनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के लिए। फिर होते हैं ऑर्गेनिक कल्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये जो है ना ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ये प्लेटनेस प्लेट स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर या इसमें मैनेजरियल सिस्टम जो है ना वो कम होते हैं। इसमें कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब ये कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन अक्सर हो जाता है। इसमें एक लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती ज़्यादा। लो स्पेशलाइजेशन इसमें होता है, क्योंकि इसमें एक बंदे को जो है ना ब्रॉडर एरिया ऑफ वर्क दी जाती है, मतलब कि नैरो वर्क किसी को सपोर्ट नहीं की जाती कि आपने सिर्फ ये काम करना है, आपने ये भी करना है, ये भी करना है, साथ में ये काम भी करना है। तो मल्टीपल काम एक बंदे को दी जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन इसमें होते हैं, ग्रेट डील ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें जो है ना डिसीजन मेकिंग में फॉर्मल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, इनफॉर्मल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्या होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं अपने काम में। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन आर कंपेरेटिवली मोर कम्प्लेक्स एंड हार्डर टू फॉर्म। ये जो है ना मोर कम्प्लेक्स होता है और इसका बनना मुश्किल होता है, कम्प्लेक्स होता है। क्यों कम्प्लेक्स होता है? क्योंकि एक बंदा है वो मल्टीपल काम परफॉर्म करते हैं, उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। मतलब कि एक ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर जो है ना आप इस तरह नहीं कर सकते, एक बंदे का हवाला करो कि ये सारी डिपार्टमेंट नहीं, अब जो है ना एक बंदे के पास जाएंगे, ये इस तरह हुआ है, ये इस तरह होता है। बट आर हाईली अडाप्टेबल, लेकिन ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बंदा है, इनके साथ ही तीन काम है, तो अब इन तीन कामों में अगर कोई भी वो आता है, रैपिड चेंज आता है, तो इनके ये ऑटोनॉमस होता है। ये नहीं होता कि आपने जो है ना सीईओ के पास लाजमी जाना है और इस काम के बारे में डिसीजन लें, ये ऑटोनॉमस होता है अपना काम। आपने जो है ना मुझे सिर्फ प्रोडक्ट देना है, बाकी आप जाने आपका काम जाने जो भी आप कर रहे हो। ओके, एंड इज अनप्रेडिक्टेबल रिपीडली चेंजेस। अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस में जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अडाप्टेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ओके, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनिक कल्चर में जो है ना वो क्या होते हैं, डिफरेंस सिमिलैरिटीज़ क्या है? ये मैकेनिस्टिक टाल सेंट्रलाइज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया पहले। ये प्लेट डिसेंट्रलाइज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होते हैं, ये टॉप डाउन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं, ऊपर से जो है ना हुक्म आता है नीचे। इसमें जो है ना क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब ये लेटरल कम्युनिकेशन, इसमें टॉप लेवल में टॉप डाउन कम्युनिकेशन नहीं होती, लोग एक दूसरे जो है ना कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना गेट यूज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है, काम स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा नहीं होती। ग्रेट यूज़ ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट, लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, मैनी डिटेल्स रूल, डिटेल रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब इसमें क्या होते हैं कि इसमें डिटेल रूल्स और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड टास्क फोर्सेज एंड टीम्स ज़्यादातर होते हैं। ओके, क्लियरली स्पेसिफाइड टास्क एंड रूल्स एंड डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेवल। इसमें जो है ना डिवीजन ऑफ लेवल लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो है ना क्लासिफाइड टास्क और रूल जो है ना, टास्क और रूल क्लियरली इसमें जो है ना क्लासिफाइड होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इसमें होता है कि इस बंदे ने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। इसमें जो है ना डिलिबरेटली एल डिफाइंड टास्क एंड रूल्स, इसमें रूल्स रेगुलेशन टास्क जो है ना एल डिफाइंड होते हैं। मतलब ये कि ये नहीं होता कि इस बंदे ने सिर्फ यही काम करना है, इस बंदे को जो है ना 2, 3, 4, 5 काम जो है ना सौंप दी जाते हैं। तो एल डिफाइंड रूल रेगुलेशन और लूज डिवीजन ऑफ लेबर इसमें होते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और इसके अगेंस्ट होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और फिर होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा समझिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, द डिवीजन ऑफ लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप्ड इनटू मेन एक्टिविटीज़
आर फंक्शंस दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिवीजन होता है ना, वो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस होते हैं कि ये जो है ना, ये बंदा ये फंक्शन कर रहा है तो ये इस डिपार्टमेंट में होगा, ये इस ये फंक्शन, ये बंदा जो है ना ये सेल कर रहा है तो ये सेल डिपार्टमेंट में होगा, ये बंदा जो है ना ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में होगा, ये बंदा मार्केटिंग कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स वाला बंदा है तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो बनाए जाते हैं, सेल्स है, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड सो ऑन। ईच फंक्शनल ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप टॉप टू बॉटम जो है ना, ये क्या होते हैं, ये इंटीग्रेट होते हैं, टॉप टू बॉटम इसके काम जो है ना इनको सौंप दी जाती है कि ये जो है ना ये फंक्शन, इसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है ना इनका मेन काम है। टॉप टू, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ना ये सारे काम जो है ना ये इसी डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्ट वालों ने जो है ना अपने दरमियान मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ मार्केटिंग वुड लीड ऑल द मार्केटिंग पीपल ग्रुप इन टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो गया, तो इसका काम जो है ना सिर्फ क्या, किसके साथ होगा, मार्केटिंग पीपल के साथ होगा, और उनको बताएगा मार्केटिंग पीपल को कि आपने जो है ना सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है ना क्या करना है, ग्रुप होना है और वहाँ पर काम परफॉर्म करना है। एम्प्लॉयज विद इन फंक्शनल डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ टास्क। फॉर इंस्टेंस द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वुड बी स्टाफ्ड ओनली विद इंजीनियर्स, दिस लीड टू ऑपरेशनल एफिशिएंसीज विद इन दैट ग्रुप। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयज विद इन द फंक्शनल डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप लोगों को डिवाइड करते हो तो हर एक बंदे का स्पेशलाइज्ड टास्क होता है। जैसा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, नर्सिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स होंगे, मेडिकल या MBBS वाली जो है ना अपनी डिपार्टमेंट में होगी, या आप जो है ना नर्सिंग रूम में सिर्फ नर्सेज होगी और वो जो है ना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये क्या होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप लोगों को जो है ना वो, और इसी की वजह से जो है ना जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होते हैं तो वो इम्प्रूव होते हैं। हावर इट कुड आल्सो लीड टू अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप एंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्लो एंड इनफ्लेक्सीबल। तो अब इसका मेन काम क्या होता है कि ये जो है हावर एट कुड आल्सो लीड टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फंक्शनल। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना उनके दरमियान ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब ये कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो है ना वो मेडिकल या MBBS वालों के साथ जो है ना किसी किस्म का ताल्लुकात नहीं रखते, कम्युनिकेशन के दरमियान नहीं होता, प्रॉब्लम आपस में जो है ना डिस्कस नहीं होते। ओके, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्लो एंड इनफ्लेक्स, इसकी वजह से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्लो होते हैं, इनफ्लेक्सीबल बन जाते हैं, मतलब ये कि नर्सिंग और जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती, नर्सिंग और साथ में जो फिजियोथेरापी के स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो इसी की वजह से जो है ना जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट होता है सारी यूनिवर्सिटी का, तो वो जो है ना अच्छी तरह परफॉर्म नहीं होती। एज अ होल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट सुटेड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड सर्विसेज एट लार्ज वॉल्यूम एंड लो कास्ट। अब इसका एक ये बेनिफिट है कि इसी की वजह से जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो चीज़ें जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, तो वो ऑप्टिमम लेवल पे होते हैं, मतलब ये कि वो ऑन द एवरेज एक्सटेंट लेवल पे जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, कि नर्सेज जो है ना वो ओनली फोकस करेगा अपने काम पे, फिजियोथेरापी स्टूडेंट अपने काम पे, MBBS स्टूडेंट जो है ना अपने काम पे फोकस करेगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने काम पे फोकस करेगा, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होगा, तो लो कास्ट और लार्ज वॉल्यूम में जो है ना वो सर्विसेज फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो होता है ये अब देखिए, ये जो है ना ये फंक्शन है कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन जो है ना ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से पेनिश प्रोडक्ट तक जो है ना ये काम करते हैं, मार्केटिंग जो है ना ये अपना काम, इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना डिपार्टमेंट होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स जो है ना ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये फंक्शन के बेस पे जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट के बेस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ये फंक्शनल के बेस पे, ये जो है ना ये प्रोडक्ट के बेस पे बनाए जाते हैं। आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर द डिविजनल स्ट्रक्चर ग्रुप ईच ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड टू अ डिवीजन। अब इसमें क्या होता है, द डिविजनल स्ट्रक्चर ग्रुप ईच ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड टू अ डिवीजन। अब ये हर एक फंक्शन को जो है ना एक ही डिवीजन में
लाते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। देखिए अब आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा। ईच डिवीजन विद इन आर डिविजनल स्ट्रक्चर कंटेन्स ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फंक्शन विद इन इट। अब इसमें यह होता है कि इसमें जितनी भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं और फंक्शन है तो वो जो है ना एक ही डिवीजन के पास होता है। मतलब ये कि एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट बना रहा है प्रोडक्ट ए, तो उस प्रोडक्ट ए के हवाले से जितनी भी फंक्शंस है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो ऑपरेशंस का हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो, चाहे वो सेल्स का हो, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट जो है ना उसी एक प्रोडक्ट के सारे फंक्शन जो है ना वो कंट्रोल करेंगे। ओके, पहले वाले में किया था कि एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट के जितने फंक्शंस थे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है ना वो डिवाइड करते थे। अभी एक डिपार्टमेंट में वो सारे फंक्शंस आ गए और प्रोडक्ट डिवाइड हो गई कि प्रोडक्ट ए का फंक्शन इधर होगा इस डिपार्टमेंट में, सारी फंक्शन इधर होगी, प्रोडक्ट बी का सारी फंक्शन इस डिपार्टमेंट में होगी। अभी इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कंपनी विद अ डिविजनल स्ट्रक्चर माइट हैव वन डिवीजन फॉर एसयूवीज, अनदर डिवीजन फॉर द कॉम्पैक्ट कार्स, अनदर डिवीजन फॉर द सेडंस। ईच डिवीजन वुड हैव इट्स ओन सेल्स इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना बुक्स है, बुक्स प्रिपेयर हो रही है और वो बुक्स जो है ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर हो रही है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और MBBS के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर हो रही है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तीन अलग अलग प्रोडक्ट है। अब इसकी फंक्शन जो है ना, फंक्शन क्या है कि बुक सबसे पहले जो है ना वो प्रिपेयर होते हैं, फिर जो है ना इसको सबसे पहले जो है ना बुक को राइट किया जाता है, लिख दिया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फिर जो है ना इसको पब्लिश की जाती है, फिर इसको जो है ना मार्केट की जाती है। तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर आप फंक्शन के हिसाब से करोगे तो फंक्शन के हिसाब से जो है ना जो नर्सिंग बुक्स है वो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन पब्लिशिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, फिर इसकी सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से करते हो तो डिविजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से नर्सिंग का जो बुक्स है उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा और उसी एक डिपार्टमेंट में जो है ना हम प्रोडक्शन भी होगा, उसमें मार्केटिंग होगा, उसमें जो है ना फाइनेंस भी होगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ जो है ना उसी एक नर्सिंग डिपार्टमेंट में नर्सिंग की बुक का होगा। दूसरी डिपार्टमेंट में MBBS डिपार्टमेंट में वो सारी फंक्शन जो है ना वो इसी MBBS के डिपार्टमेंट में होगी और फिर जो है ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग की बुक्स की सारी फंक्शन जो है ना वो उस इंजीनियरिंग, जैसे कि इधर रह के प्रोडक्ट एक्स है तो प्रोडक्ट एक्स एक डिपार्टमेंट है और इसी एक डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, फाइनेंस भी होता है। प्रोडक्ट वाई है, ये एक डिपार्टमेंट प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट वाई का एक डिपार्टमेंट हो गया। इसमें जो है ना जितनी भी फंक्शन थी वो इसी एक डिपार्टमेंट में वो इकट्ठी हो गई। अच्छा, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट वाई या जी है और प्रोडक्ट जी की जितनी भी फंक्शन है वो क्या हो गई, वो इसी एक डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जब इन दोनों की कम्बिनेशन होते हैं, कम्बिनेशन किस तरह होते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ग्रुप्स एम्प्लाइज बाई बोथ फंक्शन एंड प्रोडक्ट। अब इसमें जो है ना फंक्शन और प्रोडक्ट दोनों इकट्ठी की जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जो है ना सब ब्रांचेज है पिशावर में, लाहौर में, कराची में और फैसलाबाद मुल्तान वगैरह में, यहाँ पे जो है ना इनकी क्या है मल्टीपल ब्रांचेज हैं। अब ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक कैंपस जो पिशावर में इसका एक क्या है ब्रांच है। अब पिशावर के ब्रांच में नर्सिंग की किताबी, मेडिकल की किताबी, साथ में जो है ना इंजीनियरिंग की किताबी, ये तीनों जो है ना एक ही डिपार्टमेंट में, इसकी सेल्स भी होगा, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, इसकी जो है ना मार्केटिंग भी होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, इसकी सेल्स, सब कुछ जो है ना इसी एक डिपार्टमेंट के अंदर ही होगा। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं कि प्रोडक्ट और फंक्शंस दोनों एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल फंक्शन जो है ना एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम
मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली यूजेस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज टू एकम्प्लिश वर्क इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेंथ एज वेल एज मेकअप फॉर द वीकनेसेस अ फंक्शनल एंड डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन टीम्स ऑफ एम्प्लॉइज टू एकम्प्लिश वर्क, अब इसमें जो है ना डिफरेंट एम्प्लॉइज होते हैं और वो एम्प्लॉइज इकट्ठे होकर काम करते हैं। वो एम्प्लॉइज क्या होते हैं, वो रिसर्च डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज, वो मार्केटिंग की एम्प्लॉइज, वो जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की एम्प्लॉइज, सारी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करते हैं। तो इसी की वजह से एक की स्ट्रेंथ से दूसरी बंदा जो है ना वो क्या होते हैं वो बेनिफिट जो है ना वो उठा सकते हैं। मतलब ये कि सेल डिपार्टमेंट वाला जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी हेल्प कर सकता है, उसको जो स्ट्रेंथ उसके होते हैं और जो दूसरी बंदे के जो वीकनेसेस होते हैं तो वो एक दूसरे को जो है ना वो ओवरकम करने का मौका मिलता है। ये जो है ना ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है ये मोस्टली डिसेंट्रलाइज फॉर्म होते हैं। ओके, इसमें जो डिसीजन मेकिंग होते हैं ना वो ऐसा नहीं होता कि मल्टीनेशनल कंपनी है तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना हर एक डिसीजन जो है ना वो सेंटर इस्लामाबाद की जो हेड ऑफिस है उधर से जो है ना वो लेंगे, नहीं, हर एक ब्रांच को जो है ना उन्होंने अपने इख्तियार दिए हुए होते हैं, ऑटोनोमस जो है ना इन्होंने बनाए हुए होते हैं, रोज़ है ना काम कर रहे होते हैं। एन एग्जांपल, कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी। अच्छा, यूजिंग द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दिस कंपनी वुड ऑर्गेनाइज फंक्शंस विद इन द कंपनी एज फॉलोस। कंपनी की जितने भी फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, प्रोडक्ट ए सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट ए कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट ए अकाउंटेंट, प्रोडक्ट बी सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ये सारी डिपार्टमेंट विद इन वन जो है ना वो इकट्ठे होंगे। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये आपने जहन में याद रखना है कि द मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द कम्प्लेक्स या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, इधर आप देखें कि ये प्रेसिडेंट हैं, ये जो है ना डिपार्टमेंट है। इधर आप देखें प्रोडक्ट एक्स का डिपार्टमेंट वो इन्वॉल्व होते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, वो मार्केटिंग के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी और भी वो प्रिक्योरमेंट के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं प्रिक्योरमेंट की। इस तरह की प्रोडक्ट वाई का भी जो है ना इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह आप देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोडक्ट एक्स के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट वाई के साथ भी और प्रोडक्ट जी के साथ भी, और विद इन अम्ब्रेला जो है ना ये सब काम जो है ना वो हो रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, अब इसके जो है ना इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थी तो हमने बताई, और ये जो है ना हर एक कंपनी अपने हिसाब से जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो अपनाते हैं जो उनके लिए बेस्ट सुइटेड हो। ओके, अच्छा, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्लेरिफाई रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। जैसे कि हमने बताया कि कुछ में जो है ना सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ में डिसेंट्रलाइज होते हैं, ये चीज़ें जो है ना ये इसने मैनेज करने हैं, ये रूल्स रिस्पांसिबिलिटी इसकी होगी इसकी होगी, ये सारी चीज़ें। तो इसी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू रूल्स रिस्पांसिबिलिटी क्लेरिफाई होगी, किसकी क्या रूल्स है, किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज है। एफिशिएंसी जो है ना वो प्रमोट होते हैं, डिसीजन मेकिंग उसमें जो है ना क्या होता है सपोर्ट मिलता है कि ये सेंट्रलाइज डिसीजन है, ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें लोग ऑटोनॉमस है, इस बात में लोग ऑटोनॉमस नहीं है। एडाप्टेबिलिटी इन्हांस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है ना वो मुतयन करो, उसमें जो है ना आपके साथ फ्लेक्सीबिलिटी है। अगर आपने जो है ना फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मुतयन की तो उसमें ऑटोनॉमस होते हैं लोग जो है ना ज़्यादातर एडाप्टेबल होते हैं, रिस्क जो रैपिडली चेंजेस होते हैं तो उसको ज़्यादातर अडाप्टेबिलिटी होते हैं। प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी इसके थ्रू प्रमोट होते हैं, मतलब एक ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होते हैं वहाँ पे आपने जवाब देना होना है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू जो है फैसिलिटेट होते हैं। कल्चरल अलाइनमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट जो है ना वो एक प्रोड्यूस होते हैं कि इस बंदे ने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, हर एक बंदे को अपना अपना काम जो है ना वो सौंप दिया जाता है, तो इसी के थ्रू जो है ना एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होते हैं वर्किंग। रिसोर्स एलोकेशन होते हैं और एम्प्लॉई मोरल्स एंड सेटिस्फेक्शन भी जो है ना वो होते हैं कि हमारा जो है ना ये काम है, मुझे इस चीज़ की सैलरी दी जाती है और इस तरह की ये वाली बातें। अच्छा, अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग, एक शॉर्ट टॉपिक है और इसको हम जो है ना जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, फाइनल इन टॉपिक है इस यूनिट का। ओके, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइनिंग रिस्ट्रक्चरिंग क्या होते हैं,
सबसे पहले ये देखिए आपके रीस्ट्रक्चर ये होते हैं कि आप चीज़ों को जो है ना क्या करें, दोबारा से जो है ना रीस्ट्रक्चर आउट करें, रीडिज़ाइनिंग, आप चीज़ों को रीडिज़ाइन। अब इसका अब देखिए रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे होता है जैसे कि रीअरेंजिंग फर्नीचर इन अ रूम टू मेक मोर फंक्शनल। आप रीस्ट्रक्चरिंग क्या है कि रूम है, रूम में आपने फर्नीचर को जो फंडामेंटल चीज़ होते हैं उसमें आप फोकस करते हो, फर्नीचर है वो आपने इधर से उधर किया, जो वो है कुर्सी वगैरह है या जो चीज़ भी हैं तो उसको आपने अलाइन किया, दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया उन चीज़ों को, ठीक है रीस्ट्रक्चरिंग है। रीडिज़ाइनिंग में आप रूम को रीनोवेट करते हो, न्यू पाम उसको ए न्यू शक्ल दे, तो आपने न्यू पेंट किया उधर, आपने जो है ना उसका जो लेआउट है वो आपने चेंज किया, उसकी पिक्चर जो है ना कुछ पिक्चर आपने ऐड की, कुछ को आपने रिमूव कर दिया, आपने जो है ना एक न्यू लुक उस कमरे का बनाया, तो ये क्या है, ये रीडिज़ाइनिंग है। अब इसी मज़ीद उसको जो है ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। रीडिज़ाइनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू स्ट्रक्चर प्रोसेस रूल्स और ओवरऑल स्ट्रेटजी। रीडिज़ाइनिंग रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है ना वो लाने की कोशिश करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर प्रोसेस रूल्स या ओवरऑल जो स्ट्रेटजीज होते हैं उसमें चेंजेस हम लाते हैं। वो चेंजेस दो किस्म के होते हैं, एक रीडिज़ाइनिंग के थ्रू एक रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। ओके, सम ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर टू एड मोर टास्क फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स टू एक्सपेंड सर्विसेज वाइल अदर एलिमिनेट और रिड्यूस डिपार्टमेंट्स इन आर्डर टू कंजर्व ओवरहेड और टू सीज द नॉन फंक्शनल डिपार्टमेंट और फंक्शंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी करते हैं कि कुछ न्यू डिपार्टमेंट्स वो ऐड करते हैं, कुछ टास्क और फंक्शन न्यू वो ऐड करते हैं, कुछ सर्विसेज जो है ना वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ डिपार्टमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जो रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब है कि वो अपनी कैपेसिटी को देखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं उसको जो है ना ख़त्म करते हैं, मर्ज आउट करते हैं, तो ये काम जो है ना ये रीडिज़ाइनिंग और रीस्ट्रक्चर में होते हैं। रीडिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइनिंग क्या होता है, रीडिज़ाइनिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग और रिवैम्पिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस और अडैप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सरकमस्टांसिस। अब इसमें क्या होता है, रीडिज़ाइनिंग में जो है ना रिवैम्पिंग होता है, रिवैम्पिंग का मतलब न्यू लुक जो है ना हम देते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, अल्टरिंग प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग और रिवैम्पिंग ये होता है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एस्पेक्ट है उसको हम रीअल्टर करते हैं टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस और अडैप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सरकमस्टांसिस। अभी हम करते हैं क्यों करते हैं, ताकि हम एफिशिएंसी को प्रमोट करें या ऑर्गेनाइजेशन को और भी इफेक्टिव बनाएं, या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं, बाहर कंपिटेटिव एनवायरमेंट है, तो उसी के साथ आपने अडॉप्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप एक न्यू लुक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को देते हो। स्कोप इसका क्या होता है, रीडिजाइनिंग के एनकंपास एलिमेंट्स सच एज वर्क प्लस जॉब्स रूल्स कम्युनिकेशन चैनल्स एंड इवन द फिजिकल लेआउट ऑफ द वर्क स्पेस। तो इसमें रीडिजाइनिंग में कौन कौन सी चीज़ें चेंज होते हैं, आपका वर्किंग एनवायरमेंट चेंज होता है, जॉब रूल्स जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल चेंज हो सकते हैं, फिजिकल लेआउट ऑफ द वर्क प्लेस पेंटिंग वगैरह ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी जगह जो है ना शिफ्ट करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना रीडिज़ाइनिंग में होते हैं। पर्पस इसका क्या होता है, द गोल ऑफ रीडिज़ाइनिंग इज ऑफन टू ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग प्रोसेस एलिमिनेट इनएफिशिएंसीज और रिस्पॉन्ड टू शिफ्ट्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करें, आप जो है ना इनएफिशिएंसीज को ख़त्म करें, और साथ में जो है ना जो बिजनेस एनवायरनमेंट की शिफ्टिंग होता है उस शिफ्टिंग को आप रिस्पॉन्ड करें। ओके, कि बायर कंपटीशन किस तरह चल रहा है तो आप उसी के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना इन्वॉल्व मेकिंग ब्रॉडर एंड मोर फंडामेंटल चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो है ना हम ब्रॉडर और मोर फंडामेंटल लेवल पे हम जाते हैं, ब्रॉडर लेवल पे और फंडामेंटल लेवल पे, इसमें इंक्लूडिंग अल्टरेशन टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हायरार्की और बिजनेस मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सारे चार्ट को हम तब्दील करते हैं, या हायरार्की को, लाइन ऑफ अथॉरिटी को हम चेंज करते हैं, या बिजनेस मॉडल को हम चेंज करने के। जैसे स्कोप इसका क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा कि रीस्ट्रक्चरिंग में इन्वॉल्व चेंजेस इन डिपार्टमेंट्स टीम्स रिपोर्टिंग लाइंस और द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो है ना हम रीडिज़ाइन में हम शिफ्टिंग करते थे, हम एक न्यू लुक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को देते थे,
इधर जो है हम क्या करते हैं, इधर जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें हम चेंजेस लाते हैं जो फंडामेंटल चीज़ें होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट चेंजेस है, मर्जिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, टीम्स चेंज है, एक टीम को हमने एक काम के लिए रखा, दूसरी टीम को दूसरे काम के लिए, रिपोर्टिंग जो लाइंस होते हैं उसको हमने, कम्युनिकेशन जो चैनल्स या जो कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल कंपोजिशन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके अच्छा, द पर्पज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज टाइपिकली टू एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इंप्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्ड टू मार्केट डायनामिक्स और एड्रेस इंटरनल चैलेंजेस। तो इसमें मेन फंक्शन ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करें, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है उसको हम इम्प्रूव करें, और मार्केट डायनामिक को जो है ना हम क्या करें, अपने आप को रिस्पॉन्ड करें, एड्रेस इंटरनल चैलेंजेस। तो इसमें जो है ना हम इफेक्टिवनेस या परफॉर्मेंस को या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, इसी की वजह से जो है ना हम चीज़ों को वो करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन रीडिज़ाइनिंग, इधर आप देखिए कि रीडिज़ाइनिंग का मेन फंक्शन ये होता है कि वो जो एनवायरमेंटल शेप्टनेस आते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर कंपिटेटिव एनवायरमेंट होता है उसके साथ अपने आप को अडॉप्ट करना होता है, तो उसी को हम कहते हैं रीडिज़ाइनिंग। मतलब ये कि रीडिज़ाइन में एक न्यू लुक हम ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, रीस्ट्रक्चर में अब जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं फंडामेंटल उसको हम चेंज करते हैं। अच्छा, कॉमन रीजन फॉर रीडिज़ाइनिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग, क्यों हम रीडिज़ाइनिंग या रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं? तो एक पहला रीज़न तो कास्ट एफिशिएंसी है। कास्ट एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन में अंडरगो चेंजेस टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कास्ट एफिशिएंसी मतलब ये कास्ट ज़्यादा आ रहा है, अपने मैनेजर्स को कम किया, डिपार्टमेंट को मर्ज किया, या कास्ट जो है ना कास्ट को मैनेज करने के लिए आप करते हो। मार्केट चेंजेस शिफ्ट इन मार्केट, इंडस्ट्री ट्रेंड चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, लोग जो है ना मॉडर्न वेज को यूज़ करते, तो आपने अपने मार्केट को भी इन्हांस किया। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन, आप ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी जो वो है खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, या जो है ना एडाप्टेशन टू चेंज, चेंजेस बाहर आए हैं, रेगुलेशन, ग्लोबल इवेंट्स या कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गए, तो आप उसी के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हो। एक्सपेंडिंग और डाउन साइजिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करते हो या डाउन साइज करते हो, कम करने की कोशिश करते हो अपने इनकम के हिसाब से। ओके, प्रोसेस क्या होता है रीडिज़ाइनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग? सबसे पहले आपने असेसमेंट करना है। असेसमेंट किस चीज़ का आप करोगे? इंप्रूवमेंट रिस्ट्रक्चरिंग बाय कंडक्टिंग अथारो एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करंट स्टेट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना उसका जो है ना आप मायना करते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्लानिंग दूसरा स्टेप होता है, और प्लानिंग में आप क्या करते हो, आउटलाइनिंग द चेंजेस टू बी मेड, द गोल्स टू बी अचीव्ड एंड द टाइम लाइन्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। जो टाइम लाइन होता है उसको आप प्लानिंग में लाते हो, जो चेंजेस होते हैं उसको किस तरह, कौन सी चेंजेस जो है ना वो लानी चाहिए, कौन सी गोल जो है ना वो अचीव होनी चाहिए, तो ये सारे की सारी प्लानिंग में आते हैं। कम्युनिकेशन में क्या आता है कि कम्युनिकेशन, फिर प्लानिंग के बाद आप कम्युनिकेट करते हो उन चीज़ों को लोगों के साथ। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द चेंजेस, द रूल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। तो इस कम्युनिकेशन में जो है ना अब आप उन रूल्स और रेगुलेशंस को जो है ना लोगों के साथ डिस्कस करते हो कि मैंने ये डिसीजन लिया है, क्या ये फ्रूटफुल है या नहीं है, उन लोगों को आप समझाते हो, एम्प्लॉइज़ को समझाने की कोशिश करते हो। इम्प्लीमेंटेशन में जब आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, लोग आपकी बात मान गई, तो आप फिर इम्प्लीमेंट करते हो उनको लोगों पे। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क है या इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी जो भी हो। एवेल्युएशन, फिर जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की, फिर कुछ दिन बाद जो है ना आप इन चीज़ों को एवेल्युएट करते हो, आप जो है ना इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस की वजह से लोगों पर क्या असर हुआ, फीडबैक लोगों से वापस लेते हो, एडजस्टमेंट इज नीडेड टू इंश्योर द डिज़ायर्ड आउटकम और अचीव्ड। और आप जो है लोगों से पूछते हो कि डिज़ायर जो आउटकम थे वो अचीव्ड हो गई या नहीं हुई। तो रीडिज़ाइनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग का कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा पहला यूनिट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट यूनिट पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।